पिथौरा पुलिस ने 2 घंटे के भीतर लाखों की चोरी करने वाले चोर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार चोर के खिलाफ पुलिस ने 457-380 का मामला दर्ज कर मामले की जांच में लिया है। आपको बता दें कि प्रार्थी पिथौरा निवासी अनुराग अग्रवाल ने 23 जून की रात्रि 10:20 में पिथौरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि अज्ञात चोर ने घर का ताला तोड़कर 2,70,000 रुपए की चोरी कर ली है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के भीतर राहुल यादव पिता मोहन यादव सालेडी निवासी को गिरफ्तार कर 2,70,000 बरामद कर लिया गया है। पिछली रात की घटना है। पिथौरा के अनुराग अग्रवाल अपने परिवार के साथ रायपुर शादी में गए हुए थे और देर रात जब लौटे 2 बजे करीब तो देखे कि उनके घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और अंदर में अलमारी का ताला टूटा हुआ है। और जब परीक्षण किए तो उनके अलमारी से 2,70,000 की चोरी हो चुकी थी। इस घटना की रिपोर्ट थाने में हुई। थाना प्रभारी शिवानंद तिवारी ने इस घटना के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को एसपी साहब एडिशनल एसपी साहब हमको बताया तो एसपी साहब के निर्देशन में तुरंत थाने की टीम गठित करके इसकी खोजबीन में लगाया गया और पतासाजी में ये ज्ञात हुआ कि उसी का नौकर राहुल यादव पर संदेह व्यक्त किया गया। उसको पूरी रात ढूंढ करके लाया और हिकमत अमनी से पूछताछ करने पर उसने यह अपराध कबूल किया और पुलिस ने पूरी मसरूफ का 2,70,000 आरोपी राहुल यादव से जब्त कर ली है और उस पर कार्रवाई कर। आरोपी जो है वो जो प्रार्थी के साथ में इसी महीने जून माह से ही प्रार्थी जो है अनुराग ठाकुर अनुराग अग्रवाल के घर पे काम करने शुरू किया है। अनुराग अग्रवाल कभी अपने घर पे सामान भेजने के लिए कभी कभार जो उसको आरोपी को भी ले जाता था अपने घर पे और कई बार जब पैसा रखे अलमारी में तो आरोपी भी साथ में था। दिनांक 23/6/23 को प्रार्थी जो है दुकान में बता गया कि मैं रायपुर जा रहा हूँ तो आरोपी के मन में लालच आ गई। इसी कारण से उसने एक दुकान से पेचकस उधारी मांग करके एक घटना को अंजाम दिया है। इनमें से जो आला जो जब्त हुआ है उसमें एक लोहे की हथौड़ी है और एक लोहे का पेचकस है। इसके अलावा नकद जो है 2,70,000 रुपये जो चोरी किया था पूरी मसरूका जब्त की गई है। 23 धारा 457-380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसी के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया। यदि आरोपी को अभी अपराधी रिकॉर्ड के लिए थाना तेंदुकोना का मूल निवासी है वहाँ पे लेटर भेजे हैं। अभी रिपोर्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि अब इसका अपराधी रिकॉर्ड है कि नहीं। आरोपी क्या है कि भागने के प्रयास में था। पिथौरा से राजा बाबू उपाध्याय की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजीविजन टीवी।